श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण एकादश स्कंध अथ कौन त्रिंशोध्याय भागवत धर्मों का निरूपण और उद्धव जी का बद्रिका आश्रम गमन। उद्धव उवाच सुदुश्चरामि माम मन्ये योगचर्या मनात्मन यथांजसा पुमान सिद्ध्येत तन्मे ब्रूयंजसा च्युत। उद्धव जी ने कहा च्युत जो अपना मन वश में नहीं कर सका है उसके लिए आपकी बतलाई हुई इस योग साधना को तो मैं बहुत ही कठिन समझता हूँ, अतः अब आप कोई ऐसा सरल और सुगम साधन बतलाइए जिससे मनुष्य अनायास ही परम पद प्राप्त कर सके। प्रायश पुनरीकाक्ष युजंतो योगिनो मन विशीदन्त्य समाधानान मनो निग्रह कर्षितः अथात आनंद दुगम पदाम्बुजम हंसाश्रयेरन्नरविन्दलोचन सुखम नो विश्वेश्वर योग कर्म भी स्वन्मायम यामी विहतान मानिन किं चित्रमच्युत तवैतदशेषबन्धो दासेष्वनन्य शरणेषु यदात्मसात्वम् यो रोचयत स मृगे स्वयमीश्वराणां श्रीमत्किरीटतट पीडित पादपीठ तं त्वखिलात्म दयितेश्वरमाश्रितानां सर्वार्थदं स्वकृतविद विसृजेत को नु को वा भजेद किमपि विस्मृते नुभृत्ये नु भूत्ये किं वा भवेन तव पादरजोजुषां नः नैवोपयन्त्यपचितिं कवलयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतमृद्धमुदः स्मरन्तः योऽन्तर्बहिस्तनुभृतामशुभं विधुन्वर्णाचार्य चैत्यौ पुषा स्वगतिं व्यनत्ति। कमल नयन आप जानते ही हैं कि अधिकांश योगी जब अपने मन को एकाग्र करने लगते हैं तब वे बार बार चेष्टा करने पर भी सफल न होने के कारण हार मान लेते हैं और उसे वश में न कर पाने के कारण दुखी हो जाते हैं। पद्मलोचन आप विश्वेश्वर हैं, आपके ही द्वारा सारे संसार का नियमन होता है, इसी से सारा सार विचार में चतुर मनुष्य आपके आनंद वर्षी चरण कमलों की शरण लेते हैं और अनायास ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपकी माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि उन्हें योग साधन और कर्मानुष्ठान का अभिमान नहीं होता, परंतु जो आपके चरणों का आश्रय नहीं लेते वे योगी और कर्मी अपने साधन के घमंड से फूल जाते हैं, अवश्य ही आपकी माया ने उनकी मति हर ली है। प्रभु आप सबके हितैषी सूरत हैं, आप अपने अनन्य शरणागत बलि आदि सेवकों के अधीन हो जाएं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि आपने रामावतार ग्रहण करके प्रेमवश वानरों से भी मित्रता का निर्वाह किया। यद्यपि ब्रह्मा आदि लोकेश्वर गण भी अपने दिव्य किरीटों को आपके चरण कमल रखने की चौकी पर रगड़ते रहते हैं, प्रभो आप सबके प्रियतम स्वामी और आत्मा हैं, आप अपने अनन्य शरणागतों को सब कुछ दे देते हैं। आपने बलि प्रहलाद आदि भक्तों को जो कुछ दिया है उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष होगा जो आपको छोड़ देगा। यह बात किसी प्रकार बुद्धि में ही नहीं आती कि भला कोई विचारवान विस्मृति के गर्त में डालने वाले तुच्छ विषयों में ही फंसा रखने वाले भोगों को क्यों चाहेगा। हम लोग आपके चरण कमलों की रज के उपासक हैं, हमारे लिए दुर्लभ ही क्या है। भगवान आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से और बाहर गुरु रूप से स्थित होकर उनके सारे पाप ताप मिटा देते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को उनके प्रति प्रकट कर देते हैं।
बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा जी के समान लंबी आयु पाकर भी आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। इसी से वे आपके उपकारों का स्मरण करके क्षण क्षण अधिकाधिक आनंद का अनुभव करते रहते हैं। श्री शुक वाच इत्युद्धवेनात्यनुरक्त चेतसा पृष्टो जगत कीडनक स्वशक्ति भी ग्रहीत मूर्ति त्रय ईश्वरेश्वरो जगात सप्रेम मनोहर स्मित। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। वे ही सत्वरज आदि गुणों के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का रूप धारण करके जगत की उत्पत्ति स्थिति आदि के खेल खेला करते हैं। जब उद्धव जी ने अनुराग भरे चित्त से उनसे यह प्रश्न किया, तब उन्होंने मंद मंद मुस्कुराकर बड़े प्रेम से कहना आरंभ किया। श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि मम धर्मान सुमंगलान या श्रद्धया चरणमर्त्यो मृत्युं जयति दुर्जयम् कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थं शनकै स्मरन् मयि अर्पित मनश्चित्तो मद्धर्मात्म मनोरथि देशान पुण्यानाश्रयेत मद्भक्ते साधु विश्रितान देवासुर मनुष्येषु मद्भक्ता चरितानि च पृथक सत्रेण वा मह्यं पर्वयात्रा महोत्सवान कारयेदनी गीत नृत्या धैर् महाराज विभूतिभिः मामेव सर्वभूतेषु बहिरंतर पावृतम ईक्षेतात्मनि चात्मानं यथा खममलाशयः इति सर्वाणि भूतानि मदभावेन महाद्युते सभाजयन मन्यमानो ज्ञानम केवलमाश्रितः ब्रह्मणे ब्राह्मणे पुलकसेस्तेने ब्रह्मण अर्के स्फुर्लिंग के अक्रूरे क्रूर के चैव समद्रक पंडितो मत नरेशो भीक्षण मद्भाव पुंसो भाव यथोचिरात स्पर्धासु या तिरस्कारा साहंकारा वियंति। श्री भगवान ने कहा, प्रिय उद्धव, अब मैं तुम्हें अपने उन मंगलमय भागवत धर्मों का उपदेश करता हूँ जिनका श्रद्धा पूर्वक आचरण करके मनुष्य संसार रूप दुर्जय मृत्यु को अनायास ही जीत लेता है। उद्धव जी, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझमें समर्पित हो जाएंगे, उसके मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रम जाएंगे। मेरे भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हों उन्हीं में रहे और देवता असुर अथवा मनुष्यों में जो मेरे अनन्य भक्त हों उनके आचरणों का अनुसरण करे। पर्व के अवसरों पर सबके साथ मिलकर अथवा अकेला ही नृत्य गान वाद आदि महाराजोचित ठाठ बाट से मेरी यात्रा आदि के महोत्सव करे। शुद्धांत करण पुरुष आकाश के समान बाहर और भीतर परिपूर्ण एवं आवरण शून्य मुझ परमात्मा को ही समस्त प्राणियों और अपने हृदय में स्थित देखे। निर्मल बुद्धि उद्धव जी, जो साधक केवल इस ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में मेरा दर्शन करता है और उन्हें मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है तथा ब्राह्मण और चांडाल चोर और ब्राह्मण भक्त सूर्य और चिंगारी तथा कृपालु और क्रूर में समान दृष्टि रखता है उसे ही सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। जब निरंतर सभी नर नारियों में मेरी ही भावना की जाती है तब थोड़े ही दिनों में साधक के चित्त से स्पर्धा ईर्ष्या तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं। विसृज्य स्मयमानान स्वान दृशम वीणा च दैहिकीं प्रणमेद दंडवद भूमा वाश्व चांडाल गोखरम यावद सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते तावदेवमुपासीत वाङ्मन काय वृत्तिभिः सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्यात्ममनीषया परिपश्यन्नु परमेत सर्वतो मुक्त संशय अयम हि सर्वकल्पानां सदृचीनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिभिः नहंगोपक्रमेव ध्वंसो मध्यर्मस्योद्ध
वाण्वपि मया ववस्थितः सम्यं निर्गुणत्वादनाशिषः यो यो मयि परे धर्म कल्प्यते निष्फलाय चेत् तदा यासो निरर्थः स्याद् भयादेदिव सत्तम एषा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणां यतः सत्यमनृते नेह मर्तिनाप्नोति मामृतम् एष ते भीतः कृत्सनो ब्रह्मवादस्य संग्रह समासव्यासविधिना देवानामपि दुर्गमः अभीक्ष्णसस्ते गदितं ज्ञानं विस्पष्टयुक्तिमत एतदविज्ञायमुच्येत पुरुषो नष्ट संशयः। अपने ही लोग यदि हंसी करे तो करने दे, उनकी परवाह न करे। मैं अच्छा हूँ, वह बुरा है, ऐसी देह दृष्टि और लोक लज्जा को छोड़ दें और कुत्ते चांडाल गौ एवं गधे को भी पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। जब तक समस्त प्राणियों में मेरी भावना भगवत भावना न होने लगे, तब तक इस प्रकार से मन वाणी और शरीर के सभी संकल्प और कर्मों द्वारा मेरी उपासना करता रहे। उद्धव जी, जब इस प्रकार सर्वत्र आत्मबुद्धि ब्रह्म बुद्धि का अभ्यास किया जाता है, तब थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञान होकर सब कुछ ब्रह्म स्वरूप दिखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जाने पर सारे संशय संदेह अपने आप निवृत्त हो जाते हैं और वह सब कहीं मेरा साक्षात्कार करके संसार दृष्टि से उपराम हो जाता है। मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए। उद्धव जी, यही मेरा अपना भागवत धर्म है। इसको एक बार आरंभ कर देने के बाद फिर किसी प्रकार की विघ्न बाधा से इसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यह धर्म निष्काम है और स्वयं मैंने ही इसे निर्गुण होने के कारण सर्वोत्तम निश्चय किया है। भागवत धर्म में किसी प्रकार की त्रुटि पड़नी तो दूर रही। यदि इस धर्म का साधक भय शोक आदि के अवसर पर होने वाली भावना और रोने पीटने भागने जैसा निरर्थक कर्म भी निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दे तो वे भी मेरी प्रसन्नता के कारण धर्म बन जाते हैं। विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर ले। उद्धव जी, यह संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य मैंने संक्षेप और विस्तार से तुम्हें सुना दिया। इस रहस्य को समझना मनुष्यों की तो कौन कहे, देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैंने जिस सुस्पष्ट और युक्तियुक्त ज्ञान का वर्णन बार बार किया है, उसके मर्म को जो समझ लेता है, उसके हृदय की संशय ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। सुविविक्तम तव प्रश्नम मये तदपि धारयेत् सनातनम ब्रह्म गुह्यम परम ब्रह्मादि गच्छति यतन्मम भक्तेषु संप्रदध्यात सो पुष्कलम तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानमात्मना यैतत् समधीयेत पवित्रं परमं शुचि स्वपुहेताहर हर्मां ज्ञानदीपेन दर्शयन् यैच एतच्छ्रद्धया नित्यम् व्यग्रशृणुयान्नर मयि भक्तिं परां कुर्वन् कर्मभिर्न सबध्यते अप्युद्धव त्वया ब्रह्म सखे समवधारितम् अपि ते विगतो मोह शोकश्चासो मनोभवः नैतत्त्वया दाम्बिकाय नास्तिकाय शठाय च अशुश्रूषोरभक्ताय दुर्विनीताय दीयताम् एतर्दोषेर्विहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च साधवे शुचिये ब्रूयाद भक्ति स्याच्छूद्रयोषिताम् नैतद्विज्ञाय जिज्ञासोर्ज्ञातव्यमवशिष्यते पीत्वा पीयूषममृतं पातव्यं नावशिष्यते ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायां दण्डधारणे यावनर्थोर्णां तात तावांस्तेऽहं चतुर्विध मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्माणि वेदितात्मा विचिकीर्षितो मे त
तदा अमृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वे। मैंने तुम्हारे प्रश्न का भलीभांति खुलासा कर दिया। जो पुरुष तुम्हारे प्रश्नोत्तर को विचार पूर्वक धारण करेगा वह वेदों के भी परम रहस्य सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष मेरे भक्तों को इसे भलीभांति स्पष्ट करके समझाएगा उस ज्ञानदाता को मैं प्रसन्न मन से अपना स्वरूप तक दे डालूंगा, उसे आत्मज्ञान करा दूंगा। उद्धव जी, यह तुम्हारा और मेरा संवाद स्वयं तो परम पवित्र है ही, दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरों को सुनाएगा वह इस ज्ञान दीप के द्वारा दूसरों को मेरा दर्शन कराने के कारण पवित्र हो जाएगा। जो कोई एकाग्र चित्त से इसे श्रद्धा पूर्वक नित्य सुनेगा उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रिय सखे, तुमने भली भांति ब्रह्म का स्वरूप समझ लिया ना, और तुम्हारे चित्त का मोह और शोक तो दूर हो गया ना। तुम इसे दाम्भिक, नास्तिक, षठ, अश्रद्धालु, भक्तिहीन और उद्धत पुरुष को कभी मत देना। जो इन्हें दोषों से रहित हो, ब्राह्मण भक्त हो, प्रेमी हो, साधु स्वभाव हो और जिसका चरित्र पवित्र हो उसी को यह प्रसंग सुनाना चाहिए। यदि शूद्र और स्त्री भी मेरे प्रति प्रेम भक्ति रखते हो तो उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिए। जैसे दिव्य अमृत पान कर लेने पर कुछ भी पीना शेष नहीं रहता, वैसे यह जान लेने पर जिज्ञासु के लिए और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। प्यारे उद्धव, मनुष्यों को ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य और राजदंडादि से क्रमशः मोक्ष, कर्म, काम और अर्थरूप फल प्राप्त होते हैं, परंतु तुम्हारे जैसे अनन्य भक्तों के लिए वह चारों प्रकार का फल केवल मैं ही हूँ। जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है और मैं उसे उसके जीवत्व से छुड़ाकर अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूँ और वह मुझसे मिलकर मेरा स्वरूप हो जाता है। श्री शुक उवाच एवम् आदर्शित योग मार्ग स एवम् आदर्शित योग मार्ग इस्तदोत्तम श्लोक वचो निशम्य बद्धांजलि प्रीत्युपरोद कंठो न किंचिदूचे श्रुपरिप्लुताक्ष विष्टव्य चित्तम प्रणयावधूर्णम प्रणयावघूर्णम धैर्येण राजन बहुमन्यमान कृतांजलि प्रायदुप्रवीरम शीर्षना स्पृशस्त चरणारविंदम। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब उद्धव जी योग मार्ग का पूरा पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू मड़ाए, प्रेम की बाढ़ से गला रुंध गया, चुपचाप हाथ जोड़े रह गए, वाणी से कुछ बोला न गया। उनका चित्त प्रेमावेश से विवल हो रहा था। उन्होंने धैर्य पूर्वक उसे रोका और अपने को अत्यंत सौभाग्यशाली अनुभव करते हुए सिर से यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया तथा हाथ जोड़कर उनसे यह प्रार्थना की। उद्धव वाच विद्रावितो मोह महांधकारो याश्रितो मे तव सन्निधानात् विभावसो किं नु समीपगस्य शीतं तमोभि प्रभवन्त्य जाध्य प्रत्यर्पितो मे भवनानुकंपिना भृत्याय विज्ञानमय प्रदीप हित्वा कृतज्ञस्तव पादमूलं कोऽन्यत समीयाचरणं त्वदीयं व्रक्नश्च मे सुदृढ़ स्नेहपाशो दाशार्ह वृष्णीयस्न्धक सात्वतेषु प्रसारित सृष्टि विवृद्धये त्वया स्वमायया ह्यात्मसुबोध हेतिना नमोस्तु ते महायोगिन प्रपन्न मनुषाधिमां यथा त्वच्चरणाभोम चरणाम्भोजे रति स्यादन पायिनी। उद्धव जी ने कहा प्रभु आप माया और ब्रह्मा आदि के भी मूल कारण हैं। मैं मोह के महान अंधकार में भटक रहा था, आपके सत्संग से वह सदा के लिए भाग गया। भला जो अग्नि के पास पहुंच गया उसके सामने क्या शीत, अंधकार और उसके कारण होने वाला भय ठहर सकते हैं? भगवान, आपकी मोहिनी माया ने मेरा ज्ञान दीपक छीन लिया था, परंतु आपने कृपा करके वह फिर अपने सेवक को लौटा दिया।
आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह की वर्षा की है, ऐसा कौन होगा जो आपके इस कृपा प्रसाद का अनुभव करके भी आपके चरण कमलों की शरण छोड़ दे और किसी दूसरे का सहारा ले। आपने असली माया से सृष्टि वृष्टि के लिए दाशार वृष्णी अंधक और सात्वत वंशी यादवों के साथ मुझे सुदृढ़ स्नेह पास से बांध दिया था। आज आपने आत्मबोध की तीखी तलवार से उस बंधन को अनायासी काट डाला। महायोगेश्वर, मेरा आपको नमस्कार है। आप अब कृपा करके मुझे शरणागत को ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। से भगवान वाच गच्छो धव मयादिष्टो बदर याख्यम ममाश्रमम तत्र मत्पाद तीर्थोदे स्नानोपिस्पर्शन शुचि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी अब तुम मेरी आज्ञा से बद्रीवन में चले जाओ, वह मेरा ही आश्रम है। वहां मेरे चरण कमलों के धोवन गंगा जल का स्नान पान के द्वारा सेवन करके तुम पवित्र हो जाओगे। इच्छयालक नंदाया विदुता शेष कल्मशः वसानो वल्कलाई न्यंग व्यन्न भुक सुख निस्प्रह तितीक्षर्द्वंद मात्राणां सुशील संयतेन्द्रिय शांत समाहित धिया ज्ञान विज्ञान संयुत मत्तोनुशिक्षितं यत्ते विविक्तमनुभावयन् मय्यावेशित वाक्चित्तो मद्धर्म निरतो भव अतिव्रज्य गति स्त्री स्थिति गतिस्तिस्त्रो मामेश्यसी ततः परम। अलकनंदा के दर्शन मात्र से तुम्हारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। प्रिय उद्धव, तुम वहां वृक्षों की छाल पहनना, वन के कंदमूल फल खाना और किसी भोग की अपेक्षा न रखकर निष्प्रह वृत्ति से अपने आप में मस्त रहना, सर्दी गर्मी सुख दुख जो कुछ आ पड़े उसे सम रहकर सहना, स्वभाव सौम्य रखना, इंद्रियों को वश में रखना, चित्त शांत रहे, बुद्धि समाहित रहे और तुम स्वयं मेरे ज्ञान के स्वरूप के मेरे स्वरूप के ज्ञान और अनुभव में डूबे रहना। मैंने तुम्हें जो कुछ शिक्षा दी है उसका एकांत में विचार पूर्वक अनुभव करते रहना, अपनी वाणी और चित्त मुझ में ही लगाए रखना और मेरे बतलाए हुए भागवत धर्म में प्रेम से रम जाना। अंत में तुम त्रिकोण और उससे संबंध रखने वाली गतियों को पार करके उनसे परे मेरे परमार्थ स्वरूप में मिल जाओगे। श्री शुक उवाच स एव मुक्तो हरिमेधसोद्धव प्रदीक्षणम तम परिसृत्य पादयो शिरो निधाया सुत कलाभिराद्रधीर्यन्यर न्यशी चंद्वंद परोप्यपक्रमे सुदूत्यज स्नेह वियोग कातरो न शक्नुवंस्तम परिहातुमातुर कृच्छम ययो मूर्धनी भ्रतुपादुके विभ्रण्यमस्कृत्य ययो पुनः पुनः। ततस्तमन्तर्धि सन्निवेश्य गतो महाभागवतो विशालां यथोपदिष्टां जगदेकबन्धुना तपसमास्थाय हरेरगादगतिम् यैतदानन्दसमुद्रसंभृतं ज्ञानामृतं भागवताय भाषितम् कृष्णेन योगेश्वर सेविताङ्घ्रिणा सच्छ्रद्धया सेव्य जगद विमुच्यते भवभयं पहन्तुं ज्ञान विज्ञान सारं निगमाकृदुपजन जर्हे भृंगवद वेद सारं अमृत मुदधित चापाय यद भृत्यवर्गान पुरुषमृषभमाध्यम कृष्ण संज्ञम नतोस्मि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान संसार के भेद भ्रम को छिन्न भिन्न कर देता है। जब उन्होंने स्वयं उद्धव जी को ऐसा उपदेश किया तो उन्होंने उनकी परिक्रमा की और उनके चरणों पर सिर रख दिया।
इसमें संदेह नहीं कि उद्धव जी वियोग संयोग से होने वाले सुख दुख के जोड़े से परे थे, क्योंकि वे भगवान के निर्द्वंद चरणों की शरण ले चुके थे। फिर भी वहां से चलते समय उनका चित्त प्रेमावेश से भर गया। उन्होंने अपने नेत्रों की झरती हुई अश्रुधारा से भगवान के चरण कमलों को भिगो दिया। परीक्षित, भगवान के प्रति प्रेम करके उसका त्याग करना संभव नहीं है। उन्हीं के वियोग की कल्पना से उद्धव जी कातर हो गए, उनका त्याग करने में समर्थ न हुए, बार बार विफल होकर मूर्छित होने लगे। कुछ समय के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की पादुकाएं अपने सिर पर रख ली और बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके वहां से प्रस्थान किया। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी हृदय में उनकी दिव्य छवि धारण किए बद्रिकाश्रम पहुंचे और वहां उन्होंने तपों में जीवन व्यतीत करके जगत के एकमात्र हितैषी भगवान श्री कृष्ण के उपदेशानुसार उनकी स्वरूपभूत परम गति प्राप्त की। भगवान शंकर आदि योगेश्वर भी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा किया करते हैं। उन्होंने स्वयं श्रीमुख से अपने परम प्रेमी भक्त उद्धव के लिए इस ज्ञानामृत का वितरण किया। यह ज्ञानामृत आनंद महासागर का सार है। जो श्रद्धा के साथ इसका सेवन करता है वह तो मुक्त हो ही जाता है, उसके संग से सारा जगत मुक्त हो जाता है। परीक्षित, जैसे भौरा विभिन्न पुष्पों से उनका सार सार मधु संग्रह कर लेता है, वैसे ही स्वयं वेदों को प्रकाशित करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों को संसार से मुक्त करने के लिए यह ज्ञान और विज्ञान का सार निकाला है। उन्होंने जरा रोगादि भय के निवृत्ति के लिए क्षीर समुद्र से अमृत भी निकाला था तथा इन्हें क्रमशः अपने निवृत्ति मार्गी और प्रवृत्ति मार्गी भक्तों को पिलाया। वे ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के मूल कारण हैं। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंधे एकोनत्रिंशोऽध्यायः संपूर्णम्। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।